यहाँ के प्याजों का हाल देखो कैसा है, कैसे प्याज होते हैं यहाँ पे मिलते हैं, ये देखो उगते भी रहते हैं सारे प्याज ऐसे हो जाते हैं। तो मैं चलती हूँ अभी, ये मैंने थोड़े से चने निकाले हैं, आई अरे गिर गए मेरे चने गिर गए। तो मैंने थोड़े से चने निकाले हैं तो अपनी मतलब डाइट में ऐड करने के लिए, बहुत थोड़े से हैं तो ये मैं ले लूँगी। और चलते हैं रेफ्रिजरेटर में से मैं टमाटर निकाल लेती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ मैं बनाऊँ ब्लैक चने, और मैंने ब्लैक चने जो है वो रख दिए हैं यहाँ पे बॉईल होने के लिए ऊपर। और ये है टमाटर, ये रहा प्याज, और एक पकड़ लेते हैं प्लेट, और यहाँ पे होगी तीखी वाली नाइफ मेरी, ये वाली तीखी है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल सीमा के चैनल में आपका स्वागत है। पूरा घर गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि क्लीनर जो है वो आने वाले हैं, तो यहाँ पे वीकली हमें क्लीनिंग मिलती है क्लीनर की तरफ से। तो मैं इसे भी ओपन कर देती हूँ जब तक वो लोग आ जाएंगे। तो सारा जो सामान सामून है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैंने उठा दी हैं, बेड मैंने सेट कर दिया है, बाकी नीचे वीचे जो है वो खुद क्लीनिंग कर लेंगे। ये रही रुक्सी, रुक्सी। तो चलिए प्याज को काट लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसी कैमरे को ऊपर कर लूँ कि थोड़ा सा सही से फोटो भी आ जाए। हाँ, तो ये है टमाटर, ये तो धोया हुआ था मेरा, हाफ पड़ा था, एक छोटा सा मैंने ले लिया है। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा है ये प्याज। एक्चुअली प्याज में जितनी ज्यादा मतलब वो होनी चाहिए ना, मतलब सख्त वाले ऐसे लंबे लंबे काटते थे ना हम लोग, ये प्याज ना अंदर से फिर पक जाते हैं तो फिर अंदर से कच्चे हो जाते हैं, है ना, जब हम उगाते हैं तो अंदर से कच्चे वाले होते हैं, तो ये अंदर से फिर थोड़े से खोखले से होने शुरू हो जाते हैं। बट ये वाला थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, और बहुत ज़्यादा प्याज मतलब ऐसे होते हैं ख़राब हो जाते बड़े 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 बड़े। आज मेरा एक ऑर्डर भी आने वाला है, मैंने ऑर्डर किया था टेमो से, सोफों के कवर थे और वो था आशा की कुछ ड्रेसेस थी। प्याज आपको चोप भी करना हो फिर भी काटना तो पड़ता है, क्योंकि जो मोटा मोटा उसमें नहीं जाता ना चॉपर में। मैंने चने ना रात को भिगोने भूल गई थी, मैंने सुबह उठ के गर्म पानी में भिगो दिए, तो मैंने उतार लिए, देखती हूँ उस पर पानी खत्म हुआ है या नहीं हुआ। एक्चुअली मेरा ना पहले भी एक व्लॉग चैनल है, तो उसमें व्लॉग प्लस इंटरटेनमेंट चैनल है वो, तो मैंने सोचा कि मैंने एक व्लॉग चैनल अलग से बना लेती हूँ, तो मैंने ये वाला स्टार्ट कर लिया। मैं पानी लेके आती हूँ। तो मैंने सोचा मैंने एक व्लॉग चैनल अलग से बना लेती हूँ, जो मतलब जिस पर सारी अपनी एक्टिविटी जो भी होगा है ना, तो वो सारी चीज़ें मैं डालूँगी। कभी कभी कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे किसी ने राय दी थी कि मैम आप अपना पर्सनल जो व्लॉग चैनल है वो भी बनाएं, तो मैंने सोचा चलो मैं बनाती हूँ। फिर मुझे किसी ने ना ये वाले ना उस पर ये वाले चैनल पर मुझे बड़े लोगों ने ये भी कहा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आज मेरी आवाज़ ख़राब है। पानी मैंने डाल दिया अच्छा खासा, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लगेगा, बस ये गिरेगा तो मैं थोड़ा सा गिरा ही दूँ, अच्छा बात है, क्या ये फालतू में गिरेगा तो फिर फायदा कुछ नहीं। किसने मुझे बोला था मैम आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो आवाज़ आज मेरी आवाज़ ख़राब होगी,
क्लियर होता है, पता दो बार हो चुका है मेरे साथ, कफ जो है ना वो हो जाता है क्योंकि विंटर हो गया स्टार्ट, तो काफ़ी थोड़ी सी भी ठंडी चीज़ कुछ खा लो वो गले में लगती है। तो मैं इसे चोप करती हूँ, चोप चाहे आप कर भी लो चाहे जो मर्जी, फिर भी आपको वो करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पतला काटना ही पड़ता है क्योंकि ज़्यादा मोटा नहीं कर सकते। ये मेरे पास ये वाला चॉपर है, मेरे पास एक और चॉपर है बड़ा ही प्यारा काटा अल्लाह, ये वाला चॉपर है मेरे पास, ये इसका ब्लेड ना निकल गया था तो मैंने दोबारा से लगाया, तो आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ गए वो। ये रहा ये छोटा सा चॉपर मैंने मंगाया है अदरक लहसुन के लिए, इसमें प्याज भी हो जाते हैं, बट ये मैंने 250 ml की मंगाई थी तो आई ये छोटी सी, तो फिर मैंने सोचा कि इतना तो होता है, इतना प्याज के लिए इतना तो चाहिए होता है, तकरीबन 400 ml का चाहिए था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उसे अदरक लहसुन यूज़ करने के लिए रख लिया, ये बहुत ही प्यारी है आप यूज़ कर सकते हो, आप मंगाओ ये वाला देखा आपने बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो पड़ा। थ्रोट में कुछ भी हो तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको गर्म पानी लेना है, नमक डालना है उसके अंदर, उसके साथ गरारे करेंगे, जितना भी पेन होगा आपको फर्स्ट गरारों में ही रिलीफ हो जाएगा, पूरा ग्लास करना है गरारे, ठीक है, तो उसमें ही रिलीफ हो जाएगा आपको, तो आपने वो करना ज़रूर है क्योंकि मौसम सही नहीं है। अब मैं टमाटर भी चॉप कर दूँगी, ये जो लोग हैं ये उनके लिए भी है जो अपने घरों से बाहर रहते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं, जिनके पेरेंट्स पास में नहीं है और लड़कियों को नहीं आता खाना वाना बनाना, तो बहुत ही इजी वे में आप लोगों को मैं बता रही हूँ। एक एक चीज़ ये नहीं कि मैं यहाँ पे ये सजा के रख दिया, यहाँ पे ये सजा के रख दिया और कर रही हूँ, नहीं मैं सब कुछ घर की तरह ही आपको दिखाऊँगी। प्याज कुतर लिए, जिसको कहते हैं कुतर लिए, चॉप कर लिए प्याज, चॉप कर लिए, अभी टमाटर चॉप कर लिए है, चने को पहले आप रात को भिगो दें और सुबह उसको बॉईल करें तो फिर अच्छे से वो बॉईल हो जाएंगे। तो ये आ गया है पार्सल, अभी से थोड़ी देर में मैं ओपन करूंगी, पहले मैं घर का सारा काम कर लूं, तो इसे मैं रख देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और अदरक लहसुन की पेस्ट, जिसे अच्छे से मैं भून लूँगी पहले, फिर उसके अंदर डालूँगी मैं टमाटर। तो चले गए हमारे क्लीनर, तो चलिए अभी हम ओपन करते हैं ये पैकेज और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बाय किया है। पता नहीं यार क्या हो गया, मेरा जिम जाने को मन ही नहीं करता, मैं जिम नहीं जा रही आज। तो मैंने ये मंगवाए हैं कवर, देखते हैं कैसे आए हैं। ये है सोफ़े के कवर, ये देखिए ये है वाटरप्रूफ कवर, और अगर कैट उसके ऊपर कुछ कर दे जैसे शीशे विशी मोशन कुछ भी, देखो कैसे सील पैक किए हुए हैं, पूरे पैक किए हुए हैं। द डेंजर स्टफ इन द कीप दिस द प्लास्टिक बैग अवे फ्रॉम द बेबीज एंड चिल्ड्रन। तो ये मैंने दो मंगवाए थे, मुझे अभी लेंथ वेट का कोई आइडिया नहीं है, इसे खोलते हैं और चेक करते हैं क्या है इसका और ये कैसा है। सोफ़े पे ना बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, नया सोफ़ा लिया है, पहले जो सोफ़ा था ना वो सारा रोक्सी ने ख़राब कर दिया था, तो अभी वाटर प्रूफ है और स्क्रैच प्रूफ भी है, तो आई थिंक कैट नहीं कर पाएगी उसके ऊपर कुछ भी। मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ऐसे करके दिखाती हूँ कि आप लोगों को सही से दिखेगा, क्योंकि बड़ा है तो इसे खोलते हैं। ये रहा, हाँ एक शीट मतलब तीन शीटों का है, तो चलिए बिछाते हैं और दूसरा भी खोल लें फिर, है ना। तो बिछाते हैं यार, जहाँ पे पता क्या वो स्क्रैच मारती है वहाँ पे ऊपर सीट्स है तो उसके ऊपर तो मारती मारती है, जहाँ पे बैठना होता ना
वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि कई बार वो फीमेल कैट है तो कई बार प्रॉब्लम होती है, तो कभी कभी वॉमिट वगैरह भी कर देती है। मेरे घर के ही कपड़े हैं, बस ऐसे ही एडजस्ट कर लेना भाई, कोई खिच खिच कैच कैच नहीं करना। अभी क्लीनिंग करवा के मैं फ्री हुई हूँ तो अब ये करने जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ साथ ही ये सेट करूँगी। ये देखो इसके अंदर का जो है ना ये मटेरियल, तो सोफे के कवर में बाद में रखूँगी, पहले और देख लेते क्या क्या आया है। ये मैंने आयशा के लिए दो फ्रॉक मंगाई हैं और साथ में मंगवाया है मैंने सॉक्स का पैकेज। सॉक्स जो है वो मतलब बड़ी अच्छी अच्छी हैं, देखते हैं कैसी है। 5 पेयर मंगाई थी यार, मुझे इनके जिपर बैग जो है ना वो इतने ज़्यादा पसंद है ना, बहुत अच्छे लगते हैं जिपर बैग। तो ऐसे 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 पैकेट आते हैं बड़े प्यारे, मार्केट में जाओ ढूंढो देखो चीज़ें कौन सी है, ये वाली चाहिए बच्चे को, ये वाली नहीं। ऑनलाइन इतने ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं, आप कुछ भी बाय कर सकते हो ईजीली। देखिए वाओ कितनी प्यारी है, ये देखो 1 पेयर, ये 2 पेयर, ये 3, सारे कैट वाली हैं, ये देखो 4, ये रही 5, 5 जोड़े जो उसके सॉक्स के आ गए हैं बच्चे के, आराम से सर्दियां निकल जाएंगी। बहुत अच्छी सॉक्स है, आई लव इट रियली, इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे हैं। तो अभी मैं चाहती हूँ कि व्लॉग ना ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो मैं इसमें दिखा देती हूँ, ये कोशिश करूँगी, नहीं तो अगले व्लॉग में देख दिखाऊँगी कि सोफे के कवर कैसे है ना बिछा के कैसे लगते हैं, मैं बाद में या तो दिखाऊँगी अगर ज़्यादा बड़ी नहीं हुई तो। मैं देख रही हूँ आयशा को आ जाएगी ना, अरे स्ट्रेचेबल है फिर तो आ ही जाएगी, सही है। ये रही आयशा की फ्रॉक, ये देखो ये बर्थडे वर्थडे बहुत आते हैं हमारे यहाँ पे, ये ऐसे फ्रॉक है और ये इसके साथ इन्होंने बेल्ट दी है बच्चों की। ये बहुत प्यारी फ्रॉक लगी मुझे, बहुत प्यारी, क्योंकि आयशा के साइज़ की है और स्ट्रेचेबल है, ये ज़्यादा मतलब अच्छा है। ये आ गई और एक और फ्रॉक गाइस देखना, अगर ये है दूसरी फ्रॉक देखते हैं, मुझे ये भी बड़ी आई ठीक है। ये इसका कुछ रिबन विबन होगा या हेयर बैंड होगा, देखते हैं। वाओ बस साइज आ जाए, हाँ साइज आ जाएगा, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी सी आई, थोड़ी सी आयशा को छोटी लग रही है मुझे, बट फिटिंग में आएंगे। देखो अगर बड़ा साइज लेंगे तो फिर लूज हो जाएगा, फ़ायदा कुछ नहीं है, है ना। तो देखो यार कितनी मेहनत करते हैं ये लोग भी चीज़ों पे। ये देखो ये कितने की आई है मैं आपको बताऊँ, ये आई है इंडिया के 1200 की ये वाली है, और ये आई है वही सेम 1200-1300 की होगी ये वाली, इसके साथ बेल्ट ये वाली, ये ऐसे आ गई। और आयशा का साइज़ मुझे पता है, अगली बार मैं ऑर्डर करूँगी तो एक नंबर बड़ा करूँगी, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आ जाएगा उसे। मैंने इंडिया में फ़्रॉक्स ऑर्डर की थी, इतनी बकवास सी फ्रॉक थी ना, बिल्कुल अच्छी फ्रॉक्स नहीं थी, और मैं 132 आयशा का साइज़ था और ये 140 साइज़ है। आई थिंक आ जाएगी, हो सकता है कि कुछ ड्रेसेस होती हैं कि थोड़ी सी शॉर्ट और डिज़ाइनर ऐसे बनी होती है, आ जाएगी क्योंकि इतना हिस्सा तो ऊपर भी जाएगा ना बच्चे का। तो ये बड़ी प्यारी है, तो चलिए सोफे का कवर अभी बिछाते हैं, बाकी और कुछ नहीं मंगवाया। मेरे पास घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ तो मैं खुद ही सारा मतलब करूँगी। ये वीडियो के लिए मैंने वहाँ पर रख दिया फ़ोन अपना, और आई होप आप लोग को दिखता रहेगा और मैं बाद में सेटल भी कर दूंगी। ये मैंने बेडशीट वाइट कलर की इसके ऊपर बिछाई थी कि रोक्सी ना सारा ख़राब ना कर दे, तो अभी क्लीनर तो चला गया तो चले इसको भी सेटिंग करते हैं अभी। ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे नए सोफ़े हैं, बिल्कुल अच्छा आपको दिख ही नहीं रहा ना, तो बिल्कुल नए सोफ़े हैं, तो इसको मैं अभी इसके ऊपर बिछाती हूँ, आई होप अच्छे लगेंगे बहुत ज़्यादा। ये है वाटरप्रूफ और मुझे अच्छे तो लग रहे, मैं सोच रही हूँ फ़ोन को कहीं हाइड पे रख दूँगी तो पूरा सही से आएगा है ना। यहाँ पे ट्राई करूँ कि यहाँ पे रखे जाए, रखा जाएगा ना, गिरे ना फ़ोन मेरा। हाँ हो गया, ये सही आ रहा है, तो मैं इसको अच्छे से पहले मैं देखूँ किसी में कितनी लेंथ है, ज़्यादा छोटी तो नहीं ज़्यादा बड़ी तो नहीं, कितनी कितनी अंदर जाएगी
मूड के हिसाब से हम इसे कर लेते हैं सेटिंग। अभी रोक्सी देखेगी ये क्या है, क्या मंगवाया है इन्होंने, रोक्सी देखेगी ये क्या है। थोड़े से और नीचे जाइए, ये सेकंड वाला जो है क्योंकि ये टू सीटर सोफा है तो इसके लिए थोड़ा सा ये बड़ा होगा तो इसको फोल्ड करना पड़ेगा आई थिंक। हाँ एक छोटा एक बड़ा, मैं ये सोच रही हूँ इसको काट के ना इसके आर्म्स का ना बना दूँ, है ना। मैं पहले देखो चेक करूँ इसका साइज कितना आता है, फिर सोच रही हूँ एक सोफा एक बड़ा एक छोटा होता है तो अगर आर्म का बन जाएगा तो फिर एक सोफा बन जाएगा। कितना बचेगा यार, इतना सा बच रहा है इसका क्या होगा, ये तो एक ही आम का बनेगा, दो का नहीं बनेगा। अगर मैंने कार्ड भी दिया ना तो फिर एक आम का बनेगा, ये इतना सा कितना आएगा देखो। चलो कोई बात नहीं, यहीं पे बिछाते हैं क्योंकि फिर कल को अगर नए घर पे गए तो वहाँ पे अगर दोनों ही सोफे बड़े हुए फिर इसका खराब होगा काम, है ना। तो ठीक है तो ऐसे ही करते हैं, आधा इसके अंदर दे दूंगी आधा उसके अंदर दे दूंगी, ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है कोई ना, ये वाटर प्रूफ सीट है तो ये तो बचेगा ना, कोई वोमिट या शीशी शुशी कर दिया कैट वैट ने फिर तो बचेगा। ये स्पेशली कैट के कारण नहीं है, हमारी आयशा बड़ी है वो नहीं करती है ऐसा कुछ भी, वो बस गंदा करती है। कैट जो है वोमिट शीशी वगैरह कभी कभी उसका निकल जाता तो मुश्किल हो जाती, तो ये सही है उठाया और आराम से धो दिया, खत्म बात, टेंशन ही नहीं किसी चीज की। यार ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो औरतें होती है ना वो ही घर को सजाती हैं, आदमी नहीं कर सकते ये सब काम, आदमी बस गंदा कर सकते वो ये सब काम नहीं कर सकते। ये देखिए ये ऐसे आया कवर, ये देखिए ये ऐसे है वाटरप्रूफ है और अंदर से ये देखिए ये वाला, ये वाला ये नीचे नहीं जाने देता शीशे को, ये देखिए पूरा। तो ये देखिए ये रहा सोफे का कवर जो है सेटिंग हो गई है, अभी मैं इसके ऊपर ये कुशन रख देती हूँ। ये देखिए ये मैंने कुशन रख दिए, इसके ऊपर देने चाहिए थे दो कुशन, उसने दिए ही नहीं, उसने कहा कि नहीं वो एक ही की है, ये तो गलत चीज़ की, इसके भी बना देते ना कुशन। तो ये सही हो गया, ये थोड़ा सा अंदर से ना थोड़े ज़्यादा बाहर आ रहा है, इसको मैं बाद में करती हूँ। तो जी ये है हमारा आज के शॉपिंग जो मैंने की है तो उसकी चीज़ें हैं, तो फिलहाल अच्छा तो लग रहा है क्योंकि यार बचाना मतलब सीट पे बैठना मेरे को वो हाइजीन बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती है उस चीज़ की कि मैं नहीं वो कर सकती, कभी को कैट बाथरूम को वॉशरूम कर दे कुछ भी उसको वॉश करो फटाफट रख दो, तो ये सही है उतनी देर के लिए चादर बिछा दी जब तक वो वॉश हो रहे हैं, है ना। तो ये मेरा व्लॉग था, आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं जी आज के एंटरटेनमेंट में क्या है। जी हाँ एंटरटेनमेंट में है ऐश्वर्या राय बच्चन, ऐश्वर्या और उसके जो हस्बैंड है उनका जो है पैचअप फिर से हो गया है और बहुत खुश है अपनी फैमिली में, होप करते हैं कि ऐश्वर्या बहुत जल्दी अपने घर पे चली जाएगी। अमिताभ बच्चन ने जो लोग बातें करते हैं उनका मुंह तोड़ते हुए ये कहा है कि मूर्ख लोग हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो ये कहते हैं कि इनका जो घर है मतलब बिल्कुल अच्छे से बसा रहे ठीक रहे सब कुछ रहे। और व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सोफे के कवर आपको कैसे लगे ये भी बताइएगा, आयशा की ड्रेसेस कैसे लगी ये भी बताइएगा, मुझे मैसेज कीजिए मैं आपको ऐप बताऊंगी कौन से ऐप से मैं ऑर्डर करती हूँ। आप किसी भी कंट्री में हो और आपको बैठे बैठे इंडिया के प्राइस से ये सब चीज़ें मिलती हैं तो आपको कमेंट तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ऐश्वर्या राय चली गई है अपने घर पे और अमिताभ बच्चन जो है वो लोगों का मुंह तोड़ते हुए नजर आए और बहुत खुश है फैमिली सारी, आराध्या बच्चन बहुत ज़्यादा खुश है, तो लोगों के जो दुआएं हैं वो लग गई उनको, बने रहे। ब्लॉग के बाद हम लोग बात करते हैं उसके बारे में।